कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 की धमाकेदार अंदाज में शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके टीवी के नामी चेहरों ने सलमान खान के शो में लाजवाब एंट्री की, लेकिन इन सबके बीच साजिद खान और इमली फेम सुम्बुल तौकीर खान की जमकर चर्चा हो रही है। जहां एक तरफ साजिद खान को बिग बॉस के घर में देख लोगों का पारा चढ़ गया, तो वहीं उन्हें इमली फेम सुम्बुल तौकीर को देखकर खुशी भी हुई। साजिद खान #MeToo के तहत खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर चर्चा में रहे थे। ऐसे में जब वह बिग बॉस का हिस्सा है तो लोगों का गुस्सा उन पर फूट रहा है, तो वहीं सुम्बुल तौकीर को लोगों का प्यार मिल रहा है। लोग सुम्बुल में बिग बॉस 16 का विनर देख रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन सुम्बुल ने बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा कर दिया कि लोग हैरान हैं। क्या किया सुम्बुल ने, चलिए आपको बताते हैं। बिग बॉस 16 के प्रीमियर पर ही सुम्बुल को देख लोगों ने उन्हें विनिंग मटेरियल बताया था। ट्विटर पर फैंस कहने लगे बिग बॉस 16 के विनर सुम्बुल तौकीर खान होंगी। यही नहीं, सुम्बुल ने होस्ट सलमान खान का भी दिल जीत लिया। सुम्बुल ने प्रीमियर पर तो ऐसे तेवर दिखाई कि वह बिग बॉस के घर में धमाल मचा देंगी और जबरदस्त शुरुआत करेंगी। चेहरे पर वो एक्साइटमेंट और कुछ कर गुजरने की ललक भी साफ नजर आ रही थी। यही नहीं, सलमान ने भी सुम्बुल को ढंग से गेम खेलने और खुद को ना खोने देने की सलाह दी थी, लेकिन सुम्बुल तौकीर तो बिग बॉस के घर में जाते ही खो गई और एक गलती कर बैठी। दरअसल पहले ही दिन वह बिग बॉस के किसी भी कोने में नजर नहीं आई। नजर आने का मतलब है कि सुम्बुल तौकीर बिग बॉस के घर में कुछ भी मस्ती मजाक करती या फिर किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेती नहीं दिखी। एक तरह से उन्होंने बिग बॉस 16 के पहले एपिसोड में निराश कर दिया। अगर आने वाले एपिसोड्स में भी कुछ ऐसा रहा तो सुम्बुल तौकीर को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बार बिग बॉस जल्दी में है। बिग बॉस 16 के पहले एपिसोड में सुम्बुल तौकीर बस दो ही मौकों पर दिखी, जिसकी तारीफ भी सोशल मीडिया पर हो रही है। एक तो तब जब गौतम विज और MC स्टैन का झगड़ा हुआ, सुम्बुल ने साजिद खान के साथ मिलकर दोनों का बचाव किया। यही नहीं, सुम्बुल ने गौतम को समझाया भी। इसके अलावा जब बिग बॉस द्वारा दिए गए एक टास्क को लेकर अर्चना गौतम और निमृत कौर आलूवालिया का झगड़ा हुआ, तो भी सुम्बुल ने उनका बचाव किया। इन दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो सुम्बुल तौकीर पूरे एपिसोड में एकदम फीकी और मुरझाई हुई नजर आई। बाकी कंटेस्टेंट की तुलना में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम नजर आया। तो वहीं पहले एपिसोड में जो कंटेस्टेंट ज्यादा छाए रहे, उनकी जबरदस्त चर्चा भी हुई। उनमें अब्दुरोजिक, अर्चना गौतम, निमृत कौर आलूवालिया, मान्या सिंह, टीना दत्ता, साजिद खान और शालीन भनोट का नाम शामिल है, लेकिन सुम्बुल तौकीर इनकी तुलना में शो से एकदम गायब लगी। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सुम्बुल तौकीर को फैंस ने हमेशा ही चुलबुले अंदाज में देखा है। टीवी शो इमली में भी सुम्बुल अपने इसी अंदाज से पूरे देश की चहेती बन गई थी। यही चुलबुला और मिच्योर अंदाज बिग बॉस प्रीमियर पर भी दिखा। सुम्बुल तौकीर ने हौसला बढ़ाने के लिए पिता द्वारा लिखी गई कविता भी सुनाई थी, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। पर पहले ही एपिसोड में सुम्बुल का चुलबुलापन और वह जज्बा एकदम ठंडा दिखा। सुम्बुल तौकीर को अगर बिग बॉस 16 जीतना है तो इस गेम में लंबी पारी खेलनी होगी और उसके लिए उन्हें कमर भी कसनी होगी। बिग बॉस कई बार कह चुके हैं कि वह इस बार जल्दी में है और उनके पास जरा भी वक्त नहीं है। ऐसे में सुम्बुल तौकीर को भी अपनी कमर की पेटी बांध कर रेस पकड़नी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि इस रेस में सुम्बुल तौकीर सबसे पिछड़ जाए और शो से बाहर ही ना होना पड़ जाए। सुम्बुल तौकीर खान की तरह बिग बॉस 16 के पहले एपिसोड में उड़ारिया फेम, प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता ने भी निराश किया। प्रियंका और अंकित गुप्ता टीवी के टॉप शोज में शुमार उड़ारिया के लीड हैं और घर घर में मशहूर हैं। ऐसे में उनसे उम्मीदें थी कि बिग बॉस के घर में उनका कुछ अलग स्पार्क दिखेगा, पर पहले एपिसोड में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन सुम्बुल तौकीर से फैंस को अभी भी उम्मीदें हैं और वो उनमें विनर की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वैसे इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।